हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे कर पाएंगे। YouTube पे दोस्तों वीडियो अपलोड करने के लिए आपको YouTube एप्लीकेशन होना जरूरी है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो आपको YouTube का एप्लीकेशन नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको प्ले स्टोर नहीं मिलता है। तो इसमें दोस्तों हम कैसे वीडियो को अपने अपलोड कर पाएंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दोस्तों आपको इंटरनेट कनेक्शन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें पहले से ही करके रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम जो है वो ओपन करना है। तो सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं गूगल क्रोम आपका कुछ इस प्रकार से आ गया है। ये दोस्तों यूट्यूब नहीं है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आप बोलेंगे बाद में कॉमेंट में कि ये यूट्यूब है, आपने यहाँ पे YouTube लिखा हुआ है लेकिन आपने YouTube यहाँ पे क्यों नहीं बताया। ये YouTube का हमने यहाँ पे जो है लिंक जनरेट करके रखा है ताकि हम यहीं से जो है YouTube को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ऐड शॉर्टकट। तो शॉर्टकट दोस्तों हमने ऐड करके रखा है इसमें, तो ये बुक मार्क की तरह है कि हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली YouTube ओपन होगा। लेकिन आपकी डिस्क सिस्टम में ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से टाइप करना होगा YouTube। चलिए हम यहाँ पे टाइप की YouTube, देख सकते हैं आप YouTube भी लिखेगा या फिर YouTube कोई भी आप YouTube वीडियो YouTube स्टूडियो जो भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको सिंपली YouTube टाइप करके सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको फर्स्ट नंबर पे ही मिलेगा YouTube। सिंपली अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका सेम YouTube वैसे ही खुलेगा जैसे आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, YouTube वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पे आपको खुल जाएगा YouTube, जिसे कि आप अपने एप्लीकेशन की तरह ही यूज कर पाएंगे। देख सकते हैं YouTube जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप चाहे तो कोई वीडियो वगैरह जो है वो प्ले कर सकते हैं इजिली। लेकिन हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो भी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका अपना चैनल का लोगो होगा या फिर जो भी आप चैनल में अपलोड करना चाहते हैं उस पर यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने चैनल को जो है वो स्विच अकाउंट करके आप अपने उस चैनल में चले जाए जिसमें आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन है। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन मिलता है, अपलोड वीडियो, गो लाइव और क्रिएट पोस्ट। तो आपको क्या करना है, अपलोड वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों ये अपलोड वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होगा। जैसे ये यूट्यूब यहाँ पे खुला हुआ है वैसे ही आपका जो है YouTube स्टूडियो जो है वो ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हैं ऊपर YouTube क्रिएटर स्टूडियो जो है वो यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड वीडियो का ऑप्शन आया। अगर ये आपका यहाँ से गलती से कट भी हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल में आ गए हैं अपने डेस्कटॉप साइट पे। यहाँ पे देख सकते हैं अपने जो चैनल होता है यूट्यूब स्टूडियो में जिस तरह से आप देखते हैं उसी तरह से यहाँ पे जो है आपका आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं वो अगर मान लीजिए जैसे आपका गलती से कट हो गया तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। सिंपली अब इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डायरेक्टली आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं अपलोड वीडियो है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेम चीज आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा आपको सेलेक्ट फाइल। तो सेलेक्ट फाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका अपना जो है फोल्डर खुल जाएगा। जो भी आप फोल्डर से यहाँ पे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो फोल्डर को आप यहाँ पे चूज कर ले। जैसे कि हम यहाँ पे इस फोल्डर से ही वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो इसमें हम यहाँ पे वो वीडियो चूज कर लेते हैं जिसे हम अपलोड करना चाह रहे हैं। तो हमको ये वाला वीडियो अगर अपलोड करना है तो हम इस पर क्लिक किए और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है। सिंपली हम इस पर क्लिक करके यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे नीचे जो है वो अपलोडिंग लेना यहाँ पे चालू हो गया। इसका मतलब ये वीडियो जो है वो अपलोड लेना यहाँ पे चालू कर दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है जब तक ये वीडियो अपलोड नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक वीडियो नहीं हमको और वीडियो मतलब एक साथ ही तीन चार पांच और वीडियो अपलोड करना है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चेकिंग वगैरह, जब आपका वीडियो अपलोड होगा पूरा तब जाके ये चेकिंग में आपको सही है या गलत है वीडियो आपका वो यहाँ पे चेक होगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको आएगा विजिबिलिटी, यहाँ पे आप प्राइवेट रख सकते हैं, अनलिस्टेड रख सकते हैं या फिर पब्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये देख सकते हैं वीडियो अभी पूरा अपलोड नहीं हुआ था, उसके कारण आप यहाँ पे इस तरह से वीडियो जो है आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड में भी इसे देख सकेंगे कि वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो हमारा जो है
वो बैकग्राउंड में यहाँ पे अपलोड होना यहाँ पे अभी भी चालू है। तो आप चाहे फिर कोई दूसरा अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके अपलोड वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर से आपका जो है नया वीडियो एक अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें जाके आप इजिली जो है कोई भी वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप चाहे तो अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कोई भी यूट्यूब पे वीडियो जो है वो अपलोड कर पाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।